देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। राजस्थान के जोधपुर में आज हम आपको दिखाने लाए हैं एक अनोखी सेरेमनी, जिसके अंदर मेरे साथ में मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कितने सारे छोटे छोटे सेंटाज हैं जो सब अपनी अपनी सेंटा की दाढ़ी में हैं, कोई लाल रंग की पोशाक में। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि इस केक को भी पूरा दिखाएं जिस तरीके से ये रेस के साथ में है, और एक सेंटा क्लॉज इसके साथ में रेगुलर बैठा हुआ नजर आएगा आपको, जो कि इनकी भागदौड़ को संभाले हुए है पूरा। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार बैठा जरा इधर हो ना, ये देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा है जो लाल कलर की कुर्सी पे बैठा हुआ है इस केक के साथ में, जो पूरा केक कम से कम 12 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और कम से कम 9 फीट ऊंचाई वाले इस केक को जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये केक अपने आप में एक अनोखा केक है। क्या क्या किया आप सब लोगों ने? डांस किया? जिंगल बेल गा के सुनाएंगे आप में से कोई? जोर के गाएंगे सब लोग। सब लोग गाओ तो देखा आपने कितना उत्साह है इन बच्चों में, क्योंकि ये सब सेंटा क्लॉज बने हैं। आज इनको पता है कि सेंटा क्लॉज इनको मिठाइयाँ देंगे, चॉकलेट्स देंगे, खूब सारे खिलौने देंगे। तो ये थी इनकी खुशी जो कि आज आप तो देखते बनी है। मेरे साथ में कछुआ सर हैं। मैं कछुआ सर आपसे जानना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए आपने जिस तरीके का ये आयोजन हर साल करते हैं, हर साल आपका केक जो है वो दिन ब दिन बड़ा बड़ा होता जा रहा है, क्या सोच के करते हैं? हम जीसस क्राइस्ट को और क्रिसमस को इस विद्यालय में बहुत अच्छे से मनाते आए हैं, और हर साल हम हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली एक केक के वेट को बढ़ाते रहते हैं करीबन, और इस बार 170 के, जैसा कि आपने कहा है, किलो का केक है। और इन सारे बच्चों को इस क्रिसमस की सेरेमनी के बाद में इन बच्चों को ये केक सेलिब्रेट होगा, और इस तरह से हम जीसस क्राइस्ट को क्रिसमस का सेलिब्रेशन बहुत बड़े लेवल पर करते हैं। जिस तरीके से जीसस ने क्राइस्ट को आज पूरी दुनिया मानती है, पूरा विश्व मानता है इस दिन को, और मानता है उनकी जो अच्छाइयाँ थी वो लोगों तक पहुँचाने का एक प्रयास रहता है इनके जन्मदिन को मनाने के बाद। मनीषा जी हमारे साथ में एचसीओ की शहर विधायक भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि मैम इस दिन की जो खुशियाँ हैं वो किस तरीके से आप बच्चों में देखते हैं? सबसे पहले तो शहर विधायक होने के नाते क्रिसमस की ढेरों बधाइयाँ पूरे जोधपुर वासियों को। केक का कटिंग करना, जिस तरह सेंटा क्लॉज बनाना, सेंटा क्लॉज एक जिस तरह एक संदेश देता है, गिफ्ट बांटता है बच्चों में, बूढ़ों में, और जिस तरह जीसस का पैदा होना कि बुराई पर अच्छाई की जीत होना, और उसी तरह हम मानते हैं कि हर वर्ष ये जो क्रिसमस है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हर धर्म ये मानता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो, और हर धर्म यही सिखाता है सबसे प्यार करना, सबसे एकता रखना और सुख बांटना। तो उसी के माध्यम से साल के अंत में सर्दियों में ये क्रिसमस का प्रोग्राम आता है, और हर स्कूल इस संदेश को देती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो। विधायिका जी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, अब तक आपने न जाने अपने बर्थडे पे कितने केक काटे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो केक है इससे बड़ा केक कभी काटा है? बिल्कुल नहीं। मैं इसको देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि 170 किलो का केक है, इतना फुट ऊपर है, और बहुत अच्छा लगा कि मैं शायद जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा केक काट रही हूँ। केक बहुत सारे काटे हैं, लेकिन इतना लंबा और ऊँचा केक पहली बार काट के बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, और इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ काटकर और खुशी की महसूस हो रही है। मिलाना चाहूँगा कि कैसे आपको आपको आइडिया आया इतना बड़ा केक बनाने का, जो कि मैं देख रहा हूँ कि कम से कम 12 फीट है ऊपर से लगा के नीचे तक, तो कितनी मेहनत लगी, कितने लोग लगे? काफ़ी, हम कल सुबह 6 बजे से लगे हैं उस केक को बनाने में, और आज सुबह 6 बजे मैंने इस केक को डिलीवर किया। सो वी आर हम काम कर रहे हैं 24 से 25 घंटे से लगातार। आपकी शक्ल देख रहा है? हाँ, कंटिन्यूसली हमने 25 घंटे काम किया है जाके, और अभी भी हम स्टिल हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ एक सर का, चेयरमैन सर का हमारे ऊपर ट्रस्ट है कि हम ये कर सकते हैं, और हम हर साल नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। और बड़ा केक जब हम बनाते हैं तो हमें इन बच्चों की खुशी जो है वो सबसे अच्छी लगती है, कि जब ये बच्चों में बांटा जाएगा, इन सब बच्चे ये सब अच्छे से खाएंगे, तो हमने इसको बड़े प्यार से और मन से इसको बनाते हैं केक को।